दतिया के इंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग के नेता दामोदर सिंह यादव के नेतृत्व में विशाल रैली के रूप में संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे। वहीं दामोदर यादव 25 विधानसभा से आए सभी नेताओं से मुखातिब हुए। वहीं दामोदर यादव ने कहा कि हर 5 वर्ष में वोट डालने का मौका आपको मिलता है, जिसका आप राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हो, और यह आपको एक शक्ति बाबा साहेब द्वारा लिखे संविधान से मिली है, ना किसी सम्मानशाही या किसी बड़े व्यापारी से मिली है। कृपया से सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से कुल 185,000 मतदाता हैं, जिसमें से कुल 160,000 दलित एवं पिछड़ा वर्ग हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि दोनों ही वर्गों के लोग मिलकर अपना विधायक क्रांतिकारी किसान नेता को नहीं चुन पाते। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट। संविधान बचाने वाले जब विधानसभा लोकसभा में पहुंचेंगे तभी तो संविधान बचेगा। तो अगर मेरे जैसे लोग, राधेलाल जी जैसे लोग और हम सब साथी जो संविधान का महत्व समझते हैं, जो बाबा साहब के संघर्ष को जानते हैं, वो लोग जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो वो लड़ाई जो आज हमें सड़कों पर लड़नी पड़ती है, फिर वो लड़ाई हम सदन के अंदर लड़ेंगे और बहुत आसानी से संविधान को भी बचाएंगे और पिछड़ों और दलितों के हकों को भी दिलाएंगे। सरकार ने राहुल गांधी जी सभा में ओबीसी की बात कही है और नेशनल स्पीच बन चुकी है, आप उसका मौका का फायदा उठा रहे हैं? नहीं, मैं उसके मौका का फायदा, राहुल जी के मौके का फायदा नहीं, नहीं, राहुल जी ने हमारी बात मान ली, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चिट्ठी मैंने उनको आज से 1 महीने पहले लिखी थी, उसके बाद हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व में भी कहीं चर्चा हुई थी। और चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि पिछड़ों के लिए काम तो कांग्रेस करती है, 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया और भाजपा वोट ले जाने का काम करती है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि पिछड़े वर्ग को संख्या की अनुपात में टिकट मिले। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब बात राहुल जी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, हमारे खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो दोनों ही ये कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, तो जो हक है वो राजनीतिक भी उतना ही मिलना चाहिए और राजनीतिक हक देने का अवसर आ गया है। मैं तो कहता हूँ दतिया जिले की दोनों सीटों से, एक सीट पर तो चूंकि रिजर्व है तो हमारा कोई ऐसी भाई बनेगा विधायक, लेकिन और जो दो दोनों सीटें नॉन रिजर्व हैं, दोनों से ओबीसी के लोग एमएलए बनेंगे। आज की सभा में एक बार फिर आपका बड़ा दावा सामने आया कि सेवड़ा से आप चुनाव लड़ेंगे। मैं निश्चित रूप से लड़ रहा हूँ, दावा नहीं है, ये वचन है। सेवड़ा के क्षेत्र के सभी भाइयों ने मुझे वचन दिया है कि तुम लड़ो, तुमको इस बार हम जाल खींच के नीचे नहीं पटकेंगे, विधानसभा पहुंचाएंगे। तो मैंने भी उनको वचन दे दिया कि हम हर हाल में सेवड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब रहा निर्णय पार्टी का, टिकट का, तो मुझे विश्वास है कि मेरा नेतृत्व राहुल गांधी जी की बात तो जरूर मानेगा। तो इसलिए पूरा निर्णय यह है कि दतिया का विषय हो चाहे सेवड़ा का, ओबीसी के ही विधायक बनेंगे। दूसरा सवाल ये है, हाँ,